की सुरक्षा में 241 सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल हुए। नए भर्ती सब इंस्पेक्टर में 21 अंडमान और निकोबार पुलिस के भी शामिल हैं। सभी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मणिपुर और बाकी और राज्यों से शामिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के PSI को पुलिस प्रशासन और जांच में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने छोटे सहयोगी दलों के लिए बड़ा दिल दिखाया है। बीजेपी ने इन सहयोगी दलों को अपने कोटे से कुछ सीटें दी हैं। बीजेपी ने अपने कोटे से महाराष्ट्र की 4 विधानसभा सीट सहयोगी दलों को दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी RPIA को भी सीटें दी हैं। इसी कड़ी में रामदास अठावले ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि बीजेपी ने RPIA को सीटें दी हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया कि महागठबंधन झारखंड में सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि आज हम देवघर आए हैं, यहाँ एक तरफा माहौल है और महागठबंधन सरकार बनाएगा। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा प्रयास सभी 7 सीटें जीतने का है। देश के अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी VC के जरिए रोजगार मेले से जुड़े। ऐसे में उन्होंने VC के जरिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज जयपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 143 लोगों को रोजगार के नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। वक्फ बिल को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बैनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प की खबर सामने आई है। तो वहीं इस मामले पर बोलते हुए कल्याण बैनर्जी ने कहा कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की और कई आरोप लगाए और माँ पापा और पत्नी को लेकर गंदी गंदी गालियाँ दी। मानखुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया। आज राकांपा उम्मीदवार के रूप में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी पर्चा दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने AB फॉर्म भेज दिया था और हमने उसे जमा कर दिया है। अब मैं NCP का ऑफिशियल उम्मीदवार हूँ। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली में टूटी सड़कों पर कंकड़ ईंट डालते हैं, उससे दिल्ली में और धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली परेशान है। बच्चे स्कूलों में परेशान होकर जा रहे हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। दिल्ली की जनता हेल्थ से परेशान है। आपने दिल्ली को 10 साल में बेहाल कर दिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकारें जनता के लिए काम नहीं कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। 4 नवंबर को आरोप पत्र पर सुनवाई होनी है। आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी नाम के आरोपी को भी नामित किया गया है। ED ने उसके खिलाफ बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया है। ये मामला ओखला इलाके में 36 करोड़ रुपए में जमीन खरीदने से जुड़ा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और महायुति सरकार बनेगी राज्य में फिर से।